अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम बशीर लुकमान है। लगता है आज बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है, अभी तक यही लग रहा है। कम से कम सुबह से मुझे दो तीन बुकीज कह चुके हैं क्वेटा ग्लैडिएटर फेवरेट है, और अगर क्वेटा ग्लैडिएटर इसी तरह खेलता रहा तो पता नहीं बुकी खुद उलटेंगे कि उनके पंटर उलटेंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन यह है कि PSL के ऊपर बड़े इल्जाम लग चुके हैं कि इसमें जुआ हो रहा है, दबा कर हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। खुद PCB ने अपनी PSL की जो अफादियत है या उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम कर दिया है इस तरह से कि अजीब किस्म का मंतक और लॉजिक बनाया हुआ है कि दुबई में दो टीमों का मैच हुआ, उनमें कराची किंग हार गई मैच, लेकिन वो फाइनल में जा सकती है, खेल सकती है, और जिसने वहां पे खेला और जीता वो डायरेक्ट फाइनल में अब पहुंच गया। जबकि आज लाहौर में जो प्लेऑफ हो रहा है इसमें हारने वाली टीम जो है उसके पास वो मौका नहीं होगा कि फाइनल तक पहुंचे, वो बराह रास्त टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। किस तरह से ये पिक एंड चूज हो रहा है मुझे नहीं पता। इसमें डक बटन लुइस का वो फॉर्मूला चल रहा है, कोई और फॉर्मूला चल रहा है, इस पर जरा बात करेंगे, लेकिन कुछ हो रहा है। लेकिन PSL के अंदर इंतजामी अमूर के अंदर बड़ी गड़बड़ भी नजर आ रही है। मैं ये बताऊं कि PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन गया पाकिस्तान का, बहुत क्रेडिट है ये, बहुत अच्छाई है और इसकी तारीफ भी करनी चाहिए, करते भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम PSL को जिस तरह से रन किया जा रहा है ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और लग ये रहा है कि इसी तरह से अगर करते रहे तो अगले साल से PSL जो है उसकी पूरी स्टीम जो है वो खत्म हो जाएगी और शायद वो लोगों को अट्रैक्ट ना कर सके। सन क्रिकेट बोर्ड किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट देता है, इंडियन कंपनियों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट देता है दुबई में टिकट्स बेचने के, रेंट कार्स के, होटल्स के, ये तो PCB वाले बता सकते हैं। क्या वहां पे कोई पाकिस्तानी कंपनीज नहीं है जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हो, इसका भी वही बता सकते हैं। टिकट लेते हैं लोग, टिकट मांगते हैं, खरीदना चाहते हैं, टिकट मिलता नहीं, खार होते हैं, और जब स्टेडियम में हम देखते हैं तो स्टेडियम जो है वो पौना स्टेडियम जो है खाली होता है, वहां पे 1,000 या 2,000 लोग होते हैं सिर्फ वहां पे। फिर ऐसे लोग जिनके जो नामी ग्रामी है कि जनाब ये पता नहीं किसके साथ मिले हुए हैं, अपने साथ भी हैं कि नहीं है, जैसे उमर अकमल है, ये वो उनको प्लैटिनम कैटेगरी में कर दिया कि यानी उनको लेने के लिए लाहौर कलंदर को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ता है उमर अकमल को, ना स्कोर करने के लिए या बुरा खेलने के लिए। फिर इसी तरह अहमद शहजाद है, फिर इसी तरह अपना बाकी लोग हैं कि उनका मुझे पता नहीं कि वो टीम का हिस्सा है कि नहीं है, अब आ जाते हैं। अच्छा, फिर ऐसे गोरे या फॉरेनर्स उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, उनको हैवी अमाउंट्स दिए जाते हैं कि जो पाकिस्तान नहीं आते, ऐसे लोगों को लाया क्यों जाता है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता कि जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। फिर वो लोग, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो मैकलम हो, जिन्होंने IPL खेलनी होती है, यहां से जाके आप देखें वो कभी भी PSL में परफॉर्म नहीं करे होते, या बड़ी वीक परफॉर्म या मार्जिनल परफॉर्मेंसेज होती है उनकी, वो IPL में अपने जो ओनर्स हैं उनको दुखी नहीं करना चाहते। आज मैं चाहूंगा कि आप भी कॉल करें समर टेलीविजन के इस प्रोग्राम में, आप भी कॉल करके दे सकते हैं PSL के बारे में, और अभी एक नंबर मैं फ्लैश करूंगा आपकी स्क्रीन पे, आप उस नंबर पे डायल करें और बात करें और बताएं आपका क्या ख्याल है, PSL क्या बिल्कुल क्लीन हो रही है कि नहीं हो रही। मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर ने, बल्कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के एक लेजेंडरी क्रिकेटर, जावेद मियादाद, वो क्रिकेट का ब्रेन और वो क्रिकेट का खिलाड़ी कि जिससे हाथ मिलाना जो है वो लोग अपनी खुशकिस्मती की निशानी समझते थे जब ये अपना फील्ड के ऊपर होते थे। 16 साल की उम्र में जब इन्होंने डेब्यू किया, इन्होंने 100 मारा, फिर उन्होंने 200 मारा, न्यूजीलैंड के खिलाफ ये डेब्यू करके आए, और उसके बाद जावेद मियादाद जो है वो ऐसे छा गए जैसे क्रिकेट इनके बगैर नामुकम्मल है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़ी क्रिटिकल आई रखते हैं और क्रिकेट के हवाले से इनका दिल जलता रहता है। गो मैं कभी कभी इनसे एग्री नहीं करता, लेकिन जितना दर्द और जितनी टेक्निकल नॉलेज ये रखते हैं अपने दिल में, वो काश PCB वालों के अंदर भी आ जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली जावेद मियादाद साहब, क्या ये वाकई क्रिकेट हो रही है? मुशर्रफ भाई, मुझे तो समझ से बाहर है मेरी क्रिकेट, बल्कि आप देखें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि
हालांकि पाकिस्तान के हमें आज तक किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया कि आप क्या बन जाएं क्या बन जाएं, बल्कि मुझे याद है फर्स्ट टाइम जो हालांकि विव रिचर्ड इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड राइट, तो उससे जब बात हुई थी कहता हाउ कम यू आर नॉट हियर राइट दुबई में राइट, तो मैंने कहा बस आई डोंट नो, नहीं होते नहीं होते राइट। तो यानी कि अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लाजमी बात है कि मेरी अपनी लाइफ में क्रिकेट की लाइफ में मैंने इतना पैसा इस तरीके से देखा नहीं है। अब ये किस तरीके से कमाते हैं किस तरीके से होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बस यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि इसे पास में भी आपने देखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो थी वो इसका शिकार रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान, मैंने अपनी क्रिकेट जो है छोड़ी भी, कोचिंग भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि बड़ी चीज़ें थी राइट। अब ये एक ऐसी क्रिकेट आ गई है पूरी दुनिया मतलब इसका फ़ायदा उठा रही है, और मेरी समझ से बाहर है कि आप इतना पैसा दे के क्रिकेट में इतना पैसा कमाना जो है इतना आसान नहीं है, आप बना नहीं सकते। अब वो किस तरीके से बना सकते हैं ये फार्मूला इनके पास ही है जो टीमें चला रहे हैं और जो इतना पैसा दे रहे हैं। बात यह है कि मैं दुबई गया, मैं मैच देख रहा था लाहौर कलंदर का, मैं क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली लाहौरिया हूँ तो लाहौर की टीम के लिए मैंने जाना था, उनके मैच में जाना था, तो और शुक्र है उस दिन जीत भी गए वरना बड़ी कुट पड़ रही थी उससे पहले तो, और रख रख के कुट पड़ रही थी। ज़हीर अब्बास साहब के साथ मुझे बड़ा एजाज़ हासिल हुआ, मैं मेरी जो दोस्ती भी उनसे, उनके साथ में बैठा था और मैं देख रहा था मियादाद साहब, यानी मैं को बड़ा, यानी आप समझे कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ज़हीर अब्बास की अकेले की जितनी फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं पूरा पीएसएल टूर्नामेंट खेलने वाले तमाम प्लेयर्स की मिलाकर इतनी नहीं है, और यानी ऐसे लोगों को हम ऑनर नहीं उस तरह से कर सकते जिस तरह हमें करना चाहिए। यही दुनिया में कहीं और होते, इंडिया में होते तो इन लोगों को देखते ही आप किस तरह ऑनर किया जाता है। ये पीसीबी की क्या पॉलिसी है पीएसएल के ऊपर? मतलब आपको पता ही है कि मैं पीसीबी में था, और जब कोई कुछ जब ये चीज़ें आई जिस तरीके से मैं क्रिकेट छोड़ के चला गया। मुझे याद है कि जब मलिक कयूम साहब थे उस वक्त मैंने उनके साथ भी, उस वक्त जब मैं कोच था, और मैं बहुत ही डिसहार्टन हुआ था जिस तरीके से, क्योंकि मैं ये कैंसर है, और कैंसर लग गया या निकलना बड़ा मुश्किल है। देर इज़ ओनली टू वे, आइदर आप चले जाएँ या उनको निकाल दें। उस वक्त भी काफ़ी चीज़ें जो थी वो सामने आई, उसके बाद जो है वो ये चीज़ें इग्नोर हो गई सारी। इससे अच्छा मैंने कहा अपने आप को आभास करो, अलग से हो जाओ, क्योंकि हम थे क्रिकेट में, मैं देखे क्रिकेट एक मेरे खून में है, मैं क्रिकेट अगर देखूं तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर मैं क्रिकेट को देख के समझ जाता हूँ क्रिकेट की, जो क्रिकेट खेली जाती है ना, क्योंकि इस लेवल पे कोई अनाड़ी नहीं खेल सकता। हाँ, आप आउट होते हैं, ज़रूर होते हैं, मगर किससे आउट हो रहे हैं आप, किस तरीके से चल रहे हैं, तो ये चीज़ आ रही है। तो ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये ओनली नॉट इन पाकिस्तान। अब ये ऐसी क्रिकेट, आप देखें, मुझे खुदा को हाजिर नाजिर जानकर एक बात बताइए, अपने तजुर्बे के हिसाब से, मैं नहीं कह रहा, मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं है, आप हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी है, पूरी दुनिया में आपका नाम है, बच्चा बच्चा आपसे वाकिफ है और आप उसके हीरो हैं, कि कराची किंग्स का अभी जो पिछला मैच था उसमें जो 9 कैच गिराए गए, क्या वो कैच जायज गिराए गए थे या को दाल में काला नजर आता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो मैच देखा नहीं था राइट, नंबर वन। एक अगर आप जैसे कह रहे हैं तो बादल, देखना ये है कि गिरा कौन सा है, किस तरीके से गिराए, शॉट क्या था, बाकी डिफिकल्ट कैचेस थे, इजी कैचेस थे, क्रिकेट में ये एक पार्ट है, खुश छूटते भी है, मगर ये वो कैचेस थे जो इवन रमीज राजा ने पकड़ लेने थे। नहीं, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान की जो टीमें जो यहाँ पर हैं, इसमें जो प्लेयर हैं, ये सब मंजे हुए प्लेयर हैं, ये कोई यंगस्टर्स नहीं है, ये है एक काफ़ी तजर्बाकार क्रिकेटर्स हैं, और कैच छूटते हैं, मगर देखना ये होता है कि छूटा कैसे। आई विश कि अगर आप मुझे वो कैचेस दिखलाएं तो मैं आपको अपने
जो मेरी मेरी असेसमेंट होगी वो मैं आपको ज़रूर दे सकूंगा एज ए क्रिकेटर, क्योंकि मैंने क्रिकेट खेली है, मेरी बचपन से ज़िंदगी इसमें ही गुजरी है। आई नो ईच एंड एवरी थिंग, आई कैन पोस्टमार्टम ईजीली। जैसे एक अगर एक बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, सर्जन के पास जाता है, तो क्रिकेट इज़ लाइक दैट। जी क्या कहा आपने? क्या अभी जुआ हो रहा है पीएसएल में? देखिए जुआ तो पाले में हो रहा है, अब इसके ऊपर छोड़ दें, जुआ तो क्रिकेट में हर चीज में आजकल हो रहा है, ये कोई कह नहीं सकता। अब देखना ये कि इन्वॉल्वमेंट किसकी है। जुआ तो पूरा मैं कहता हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा होगा, हर जगह हो रहा है, जहाँ जहाँ ये मैच जा रहा है टीवी पे या हर जगह हो रहा है, ये एक ट्रेंड बन गया है। आप साउथ अफ्रीका ले लें, आप इंडिया ले लें, इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, दुबई में हो रहा होगा, जहाँ जहाँ लोग जो हैं शौक रखते हैं, ये चीज़ें तो हो रही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर जो डिनाई करेगा ना, उसको मैं ये एक उठा के दूंगा मेरे सामने लेके आके, अगर कोई भी डिनाई करता है। नैयर साहब आपने सुना मियां दाद ने क्या कहा? सच बोलो, हर चीज सच बोलो, आप करते हो तो दिल खोल के बोलो कि हाँ यार करता हूं, इसमें क्या है? जब तुम अल्लाह से नहीं डर रहे, मुझसे क्या डरना है? देखिए ये चीजें तो वो है, आप अपना जमीर, अगर आप जब जमीर ही भेज दो, उसके बाद ना तुम या मैं या कुछ भी नहीं कर सकते। जब माँ बापों को नहीं पता होगा बेचारों को कितने पीरियडों का, और काम तो हो रहा है, होता आ रहा है, अभी से नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी क्रिकेट छोड़ी, और ये सबको पता है कि पाकिस्तान में आज भी बोले मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूं। आई नो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं क्रिकेटर को बना सकता हूं, मगर जिस चीज में साइड पकड़ ली वो पकड़ ली, खत्म हो गई। क्योंकि अल्लाह ले लो भाई हमारे साथ बैठे हैं, दूसरी चीज ले लो। जावेद भाई हमारे साथ बैठे हैं, सैयद नैयर साहब जरा पूछे इनसे, ये बड़े क्रिटिक है पीएसएल के, क्या कहते हैं सर? आपने सुना मियां दाद की भी बातें सुनी आपने? हाँ, मियां दाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े आउटस्पोकन हैं, और उनकी आप अगर बात सुने तो जो उनको दर्द है कि उनको क्रिकेट से अलग कर दिया गया। ज़हीर अब्बास क्रिकेट से अलग हैं, आमिर सुहेल क्रिकेट से अलग हैं, और भी अच्छे नाम हैं, हर एक का नाम मैं कहाँ तक लूँ, लेकिन ये लेजेंड, लेकिन ये सारे पाकिस्तान के कप्तान भी हैं, बड़े नाम हैं, बड़े नाम हैं। और आपने जिस तरह कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का फख्र नहीं, ये दुनिया क्रिकेट का क्रिकेट है, वहां का ये प्राइड है। तो अब इन लोगों को आपने क्रिकेट से दूर रखा हुआ है किसी लिहाज से भी के किसी एक्टिविटी में, आप पीएसएल की तो बात छोड़ दें, दूसरी तरफ भी इनको नहीं है। आपने पीएसएल में बाहर से सारे कोचेस बुलाए हैं, उनको आप ठीक ठाक, आकिब जावेद को बाहर से नहीं है, लेकिन आकिब जावेद ने 20 खेला नहीं है कभी जिंदगी में। हाँ, लेकिन आकिब जावेद की कोचिंग में यूएई की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया था, और वो एक उसके मतलब अच्छे मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्रेडिट में जाती है बात। आकिब जावेद इज ए गुड कोच, देयर इज नो डाउट अबाउट। लेकिन आकिब जावेद और लाहौर कलंदर की एक बड़ी अजीब सी रिलेशनशिप है, मैं आज ऑन एयर बता रहा हूँ जो किसी को भी नहीं पता, मैं बहुत बड़ी सीक्रेट आउट कर रहा हूँ। आकिब जावेद और लाहौर कलंदर के राणा साहब जो है, दोनों का जुबान पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ, कोई लिखत पढ़त नहीं हुई भी, बड़ी बात, और दोनों एक दूसरे को ऑनर कर रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करते हैं। मैं इस वजह से मैं राणा साहब की और आकिब साहब दोनों की मैं बहुत इज्जत करने पे मजबूर हूं। जी, ये दोनों, और आपने देखा कि इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितना काम किया, 1,20,000 बच्चों को बुला के आजाद कश्मीर से लेके और पंजाब में जिस तरह से इन्होंने काम किया, स्क्रीन आउट किया प्रॉपर, ये इतना बड़ा मोनूमेंटल काम है कि दोनों, यानी आकिब जावेद भी और राणा ब्रदरान भी, ये दे डिजर्व प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। राणा साहब को तो मैंने कहा अगर आज आप मर जाएं, मैं वादा करता हूं कि मैं स्टेट फ्यूनरल करवाऊंगा, मेरा इतने बड़े हीरो आप बन गए, बहुत जबरदस्त काम किया। और ये प्लेयर इस दफा भी निकले हैं, शाहीन आफरीदी निकला है, एंड यू नो कि शाहीन आफरीदी के इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो अभी 17 साल का बच्चा है कि उसको आईसाइट में प्रॉब्लम है, उसका उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया, जो शाहीन ने ड्रॉप किया था कैच अपनी बॉल के ऊपर वहां पे दुबई में जी। तो मैंने राणा फवाद साहब को पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये क्या एक पैसे खाए क्या? उन्होंने कहा नहीं भाई, उसको नजर ही नहीं आ रहा, अभी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी हम उसका एक आंख का भी कराया, अभी दूसरी आंख का खून है। सो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये लोग इन्वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं, और कितना मतलब दिल लगा के दिल जमाई के साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि एक टीम बना ली और उसके बाद। एनीवे पीएसएल में जुआ हो रहा है, पीएसएल में जुआ तो आप, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और इसका जवाब भी मैं बड़ा क्लियर कर दूंगा कि कराची में
जो इन्होंने एक ग्रुप पकड़ा है जिसमें मैंने कहीं पर पकड़ा, जिसमें 2 बिलियन रुपीज तक कहते हैं इन्वेस्टेड थे, तो वो जुआ नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? लेकिन मैं इससे जरा आगे बात करूंगा। नहीं, बेटिंग होना और बात है और किसी का बेट में इन्वॉल्व होना दो मुख्तलिफ बातें। हाँ, मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ आपको। मैं ले जाता हूँ फरवरी 2017 में नजम सेठी साहब स्टेटमेंट देते हैं, जिस दिन हमारा प्लेयर जो है पकड़ा जाता है कि जी इसने स्पॉट फिक्सिंग की है, शर्जील और इसके साथ और भी थे, उसमें नजम सेठी साहब का अपना स्टेटमेंट है कि मुझे इन सारे कामों का और स्पॉट फिक्सिंग का पहले से कंक्रीट इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने तो ये कहा और मैंने तौकीर ज़िया साहब और बाकी लोगों से भी कहा जो इस पैनल के मेंबर थे जिन्होंने इन लोगों पे ट्रायल किया है क्रिकेटर्स का, कि आपने नजम सेठी साहब को अब तक क्यों नहीं बुलाया और उनसे बुला के पूछते कि मेरे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन। उसकी वजह एक और है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, हम जर्नलिस्टों को बहुत से लोग अप्रोच करते हैं और हमें कुछ थ्योरीज देते रहते हैं और बताते भी रहते हैं, लेकिन वी कांट टेक देम अप बिकॉज उसका प्रूफ नहीं होता हमारे पास। तो सेठी साहब आप ये ना भूलें कि उन्होंने एक जिंदगी गुजारी है जर्नलिज्म में, तो उनके बड़े पंटर होंगे उनके अपना उनको बात बताने वाले, लेकिन वो प्रूफ नहीं। देखिए बात बताने तो आप देखें ना, आप डॉक्टर शाहिद मसूद को भी बात बताई गई थी, लेकिन क्या हुआ जब आप ये कह दें यहां बैठ के नेशनल फोरम पे या नजम सेठी साहब यहाँ पे डॉक्टर साहब मुझे कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर साहब ने यह कहा था कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो मैं सर कटा देता हूँ, मैं फांसी खा देता हूँ। मतलब ये था कि कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, बात ये नहीं है। बात ये है कि सेठी साहब ने अपना जो कहा वो बेस्ड ऑन हेयर से है, अगर एविडेंस होता तो आप कह रहे हैं ना हेयर से। मैं तो इसी के वो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, उन्होंने मौजूद होने की बात नहीं, मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो कि मीडिया में रिकॉर्डेड है और वो ट्रांसक्रिप्ट और सारी चीजें आपको मिल सकती है, आपको वीडियो भी मिल सकती है, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन का मतलब। उनका ये तो क्रेडिट है ना कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ब्रांड नेम तो दिया ना। सर ब्रांड नेम दिया है तो उनका काम नहीं था, अगर उससे पहले मुबशर लुकमान का काम जो आदमी पीएसएल करा रहा है, भी बड़े आपके इतने बड़े बड़े आपके खड़पैंच किस्म के चेयरमैन पीसीबी के आए, उन्होंने तो नहीं कराया। वो जिस वक्त जिस चीज का काम होता है वो वही होता है। आप कहें कि जी जब ज़ियाउल्लाह का दौर था तो सीपैक नहीं बनी, ये बात नहीं है, जिसका जो टाइम है उस टाइम में उस काम ने होना है, तो इसमें कोई ऐसे आपने कोई एहसान नहीं किया, आपने खुद चॉइस से ये पोस्ट ली। अच्छा काम तो अच्छा होता है ना, मैंने तो ये नहीं कहा बुरा काम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काम तो किया है उन्होंने, ठीक है, तो उनका ड्यूटी थी। अगर अगर वो नवाज शरीफ की तरह कुछ ना करते फिर कहते मुझे क्यों निकाला, तो फिर गलत होता ना। देखिये नवाज शरीफ की मिसाल इनके ऊपर फिट इन नहीं होती है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि इनको एक काम दिया गया, असाइनमेंट दी गई, इन्होंने की। आप और मीर अनवार साहब वैसे ही दुखी रहते हैं सेठी साहब से। नहीं, मैं दुखी क्यों रहता हूँ? सेठी साहब ने यह फरमाया कि पीएसएल 1 का ऑडिट हो गया है, पीएसएल 2 का जो है वो जनवरी 18 में हो जाएगा, और जब ऑडिट टीम गई है इनकी स्पेशल ऑडिट फेडरल ऑडिट वालों की, तो उनको उन्होंने पीएसएल के किसी चीज के डॉक्यूमेंट नहीं दिए, और नतीजे में क्या हुआ है कि आपको चंद दिन पहले ऑडिटर जनरल ने ऑर्डर किए हैं के पीएसएल 1 और 2 का स्पेशल ऑर्डर आ जाएगा, आ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जी ऑडिट हो गया है, कौन पूछती है वो ऑडिट कहां है। मैं ये कह रहा हूं जावेद भाई, असल में मुझे जिस बात का दुख है ना, और आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि जब मैं गेम को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि इसको टीवी स्पोर्ट बनाने के लिए ग्राउंड को और छोटा कर दिया है, बाउंड्रीज को बिल्कुल करीब कर दिया है, जो एमसीजी की आधी आप समझे ग्राउंड को कवर कर रहा है या सिडनी में भी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि आप 5.5-6 pound का बल्ला भी आप हारे का जो है वो उठा के फिर रहा है, और बॉलर्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कर्टेल कर दिया है, और जो फील्डर्स की हालत है वो हमें पता है। जब यही बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वेस्ट इंडीज में, बारबाडोस वगैरह में जाके बड़े ग्राउंड्स पे, फुल ग्राउंड्स पे खेलते हैं, तो जिन यानी जो छक्के ये पहले मार रहे होते हैं वहां पे ये आउट हो रहे होते हैं, तो क्या इससे क्रिकेट का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है? टेस्ट क्रिकेट और वनडे की बात कर रहा हूं, मैं T20 की बात नहीं कर रहा, इंप्रूव हो रहा है जिसको हम अपने आप को दाद दे रहे होते हैं जावेद भाई? हेलो जी, जी नहीं देखिए मुबशर भाई, बात यह है कि देखिए हर चीज़ दुनिया में एक सिस्टम से चलती है,
अभी जो आप बात कर रहे थे, एक सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम में वो आदमी कोई भी आदमी फिट होता है उसको ही लेना चाहिए। अब सेठी साहब की जो बात हो रही है, देखें इससे पहले शहरियार साहब भी थे, जिनको क्रिकेट आप दे दो तो क्रिकेटर कहाँ जाएंगे? जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जब वो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो ये लोग चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, ओ जी इन्हें क्या पता। भाई यही सबसे बड़ी पाकिस्तान की इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि जो राइट आदमी राइट पोजीशन पे नहीं है कभी भी उस वो मुल्क तरक्की नहीं करता। आपने जहाँ आपको कुछ चाहिए आप लगाते कुछ है, जिसको चाहिए क्या हमारे पास लोग मौजूद हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। दुनिया इसीलिए कामयाब है कि वहाँ वो लोग जो जिस चीज के एक्सपर्ट है उसको पता है कि मेरी एक्सपर्टीज जो है छोड़ने के बाद मेरी यहाँ काम आएगी, यहाँ काम आएगी, इसलिए कंट्रियाँ चलती हैं। एक मुल्क को चलाने के लिए हर चीज़ होती है। सेठी साहब इंटेलेक्चुअल आदमी, उनको वो चीज़ देनी चाहिए जहाँ से वो हासिल कर सकें। इनके ऊपर चाहिए अच्छा करें, मगर क्वेश्चन मार्क यही रहेगा, भाई यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, क्योंकि उन्होंने खेली नहीं है। ये पढ़ने का गेम नहीं है, क्रिकेट इज अ फिजिकल गेम। आपने फिजिकल जितना टाइम दिया होता है इतनी आपकी कैपेबिलिटी और हर चीज़ बढ़ती है, उतना ही आपको समझ आएगी। तो ये प्रैक्टिकल, जब पोस्टमार्टम करते हैं प्रैक्टिकल जो करता है उसको ही पता होता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें खराब हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम गलत जगह पे गलत आदमी रन, इसी वजह हमारा मुल्क तबाह हो गया है। या जो मुल्क जो लोग जावेद भाई मेरे साथ रहिएगा, मेरे जावेद भाई मेरे साथ रहिएगा, नियर साहब भी मेरे साथ ही हैं। लाइव कॉल की मैं लूंगा एक ब्रेक के बाद। नंबर टू कॉल इज 04235442461। आप सैयद नईरुद्दीन साहब से, जावेद मियादाद साहब से बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं 04235442461, या आप कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं पीएसएल के बारे में, आप बता सकते हैं किस टीम से आपको दुख पहुंचा और किस टीम ने आपको खुश किया। लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे जावेद मियादाद की, लेजेंड है पाकिस्तान के क्रिकेट के, और सैयद नईरुद्दीन अहमद स्पोर्ट्स एनालिस्ट है हमारे साथ, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाइन पे, उसामा है लाहौर से। जी मोहम्मद उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुबशर साहब। जनाब मुबशर, आज जो आपकी बड़ी जबरदस्त डिस्कशन में सुन रहा था, ग्रेट जावेद मियादाद साहब भी आपके साथ हैं सर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्रिकेट पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन बतदरीज इंसान बेहतरी की तरफ जाता है, और आज भी जिस तरह से इंतजाम हमने देखे गुज़श्ता पीएसएल को अगर कंपेयर किया जाए आज के इंतजाम से, तो गुज़श्ता पीएसएल पे जब हम जा रहे थे तो सुबह गालिबन 9 बजे से ही, आप लिबर्टी राउंड अबाउट देख लें, आप सिद्दीक ट्रेड सेंटर के पास देख लें, मकामात के सारे बंद थे, इवन किसी परिंदे के फड़कने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन आज हमने देखा कि कम अज कम भी 3-4 बजे तक ट्रैफिक चलती रही है। मतलब सिर्फ मैच करवा लेना मकसद नहीं है, लोगों को तंगी ना हो ये भी हमारी प्रायोरिटीज में होना चाहिए। तो आज हमने काफी हद तक देखा कि लोग रिलीफ थे। अच्छा वैसे सामा मेरी एक बात सुने, मैं आई डोंट मीन टू निगेट यू, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कॉलिंग की है आज के, जी आज तो इंतहाई रुसवाई हुई है, ट्रैफिक का इतना बुरा इंतजाम था। ये नैयर साहब एकदम से मेरे साथ बैठे हैं और इन्होंने आप समझे अपना कप फेंकने लगे थे गुस्से में, लेकिन एक्चुअली लोग बहुत तंग हुए हैं। मैं जिस एरिया में मैं ट्रैवल करके मैं पहुंचा कजाफी स्टेडियम में, उसके बाद मैं वापस भी आया वहां से, मतलब मैं मैच स्टार्ट होने के पहले मैं वापस आ चुका था। मैं दूसरे एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपना जेल रोड से गुजर के और सिद्दीक ट्रेड सेंटर से लिबर्टी राउंड, मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ। दूसरे ट्रैक का फिरोजपुर रोड था, उसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो मैं आई विटनेस था तकरीबन 4 बजे तक वहाँ पे कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, इसका मैं खुद गवाह हूँ चश्मदीद। लेकिन बहरहाल आपकी जो डिस्कशन है, मैं मतलब मैं बिल्कुल आपके साथ आपकी बातों से एग्री करता हूँ, right. आपकी बातों से इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे दूं। एक सेकंड ओसामा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द कॉल। और अब बात यह है कि देखिए हमारे गेस्ट हैं, हमारे कॉलर हैं, इनकी इनकी राय का एहतराम करना पड़ेगा, हर एक को हम निगेट नहीं करेंगे। मैंने एग्जांपल देना चाह रहा था मुबशर साहब, जो गाड़ी यहाँ से 4 बजे निकली है वो रात 9:30 पे मेरे घर पहुंची। सर प्रॉब्लम ये है, मैं एक बात बताता हूँ,
کہ کالر نے مجھے بتایا کہ وہ گئے اور وہ 4 بجے پہلے واپس بھی چلے گئے وہاں سے اس ایریا سے. میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو بلیو نہ کروں. آئی ہیو ٹو بلیو ہم. ایگریڈ. بس ختم بات. میرے لیے میرا کالر جو ہے وہ مقدم ہے. Agreed. اس سینس میں جاوید میاداد صاحب, لیکن کیا کراچی بھی بند ہوگا پورا جب فائنل ہوگا وہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ مبشر بھائی یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم کس پرابلم سے گزر رہے ہیں. ہمیں یہ تھوڑا گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑے گا, تھوڑا اپنے اوپر کرنا پڑے گا, جسٹ ٹو میک شیور کہ لوگوں کو, دنیا کو, وی مسٹ ٹیل دا رائٹ اس کے اوپر, کیونکہ یہ ہمارا ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے غلط بھی ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, واقعی بالکل ہے, اس سے بھی زیادہ بھی لوگ تنگ آ رہے ہوں گے رائٹ جن کو کرکٹ کا نہیں, مگر ونس یعنی کہ ایک لائف ٹائم ایک چیز ہوتی ہے, ایک چیز آ رہی ہے. دیکھا نا یہ اسکرین پہ جو امیج چل رہا ہے, لک دیر از نو پرابلم, سیمی کا امیج چل رہا ہے, کچھ اور اپنا فارنرز بھی ہیں, تو یہ کتنی اچھی اچھی بڑی یعنی امپورٹنٹ اسکرین کا حصہ ہے پاکستان کے لیے. نہیں بالکل ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے. ہم نے ہمارے ساتھ الگ کے یہ تو دنیا کا کام ہے, انسیڈنٹ کون سی دنیا میں نہیں ہوئے, ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر جگہ آتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. جاوید بھائی ہمارے ساتھ ایک فالوور آن لائن ہے, بحال کرنا ہے, اب اس کے ایکسیڈنٹ کے اوپر جانا پڑتا ہے. بالکل جانا پڑتا ہے. عامر صاحب ہمارے پاس کالر ہیں اس وقت. جی عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بشیر بھائی, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. بشیر بھائی شکر ہے آپ نے ایک پی ایس ایل پہ پروگرام کیا ہے, میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا تھا کہ آپ جیسا کوئی اچھا اینکر اس پہ پروگرام کرے. تھینک یو. ایک تو فرسٹ کالر کا میں آنسر دوں گا کہ جی آج صبح 9 بجے دیوس روڈ کمپلیٹ طور پہ بند کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, کوئی ٹریفک وہاں پہ نہیں کھلی تھی, اوپن نہیں تھی, ٹریفک بالکل جیم تھی, اور میں خود آفس وہاں سے جاتا ہوں چک ہوا ہوا تھا, 1 گھنٹے میں صرف ڈیوس روڈ کراس کر پایا ہوں. اور اصل میں عامر میں آپ کو ایک بات میں اسپاٹ فکسنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی اسپاٹ فکسنگ وہاں پہ ختم پی ایس ایل میں ہو ہی نہیں سکی ختم جب تک کہ ہم جسٹس قیوم کی رپورٹ کو نہیں, اس نے میں صاف کلیئر لکھا گیا ہے کہ وقار یونس, وسیم اکرم اور ایسے اور پلیئروں کو کوئی 11 پلیئرز کا نام تھا نا اس میں. جی 11 پلیئرز کو انہوں نے نام لے کے کہا تھا. تو سر وہ 11 پلیئر پی ایس ایل میں ہیں, ان 11 میں سے کئی پلیئر ایسے ہیں جو پی ایس ایل میں ہیں, ہمارے فارمر بہت اچھے پلیئرز تھے 90s میں, جوید میاداد ہیں, ظہیر باس ہیں اور بڑے مشہور ہیں, عامر سہیل ہیں, ان کے نام ہیں, بڑا آنریبل آدمی ہے, بہت آنریبل کرکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ نام ہے جو کہ ہمارے پاس کوئی جو پلیئر آ رہے ہیں پاکستان میں پی ایس ایل میں, پاکستان جو آئے ہیں وہ کوئی بڑے پلیئر نہیں آئے, شین واٹسن نہیں آیا, کے پی نہیں, کیون پیٹرسن نہیں آیا, چھوٹے چھوٹے پلیئر ہم لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, انہیں وارم ویلکم کرتے ہیں سر, لیکن کوئی بڑے پلیئر جب تک نہیں آئیں گے, بڑی ٹیم میں نہیں آئیں گے, اس وقت پاکستان میں کرکٹ بحال نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ ہمارے لیجنڈس ہیں جوید میاداد, ظہیر باس, جو اپنی گڈ ول کے اوپر ٹیموں کو یہاں پہ لا سکتے ہیں, ان کے نام ہیں. ٹھیک ہے عامر بھائی, تھینک یو ویری مچ. فاروق صاحب میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام بشیر بھائی, کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, ذرا سا تو آہستہ بولے, میرے کان میں لگی ہوئی ہے یہ لپی اور اڑا دی آپ نے ایک دم سے. جی نہیں نہیں اٹس اوکے, حکم کریں, بتائیں بتائیں بتائیں. جی جی بولے بولے فاروق بھائی. کہ اتنا اچھا اور اتنا یعنی کہ میچ جو دلچسپ میچ مقابلہ ہوا کوئٹا گلیڈیٹر اور پشاور زلمی کا, اور وکٹ نے جو نا بالر کو بھی ہیلپ کی اور بیٹس مین کو بھی, یعنی کہ اس کا پورا ایڈوانٹیج تھا. قذافی اسٹیڈیم کی بہترین وکٹ تھی یہ, دبئی کی نسبت جو ہے نا یہ وکٹ پاکستان کی بہترین ہے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. دبئی کی نسبت پاکستان کی وکٹیں بہترین ہیں اور چھوٹے پلیئر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ چھوٹے پلیئر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کالر نے ہمارے کہ یہ جو امپورٹنٹ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ پاکستان نہیں آ رہے, جیسے شین واٹسن ڈراپ آؤٹ ہو گیا, یا اس طرح کے بڑے نام کیون پیٹرسن وغیرہ, شین واٹسن, یہ سارے ڈراپ آؤٹ ہو گئے آنے سے پہلے, یہ وہ کہہ رہے تھے. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس پی ایس ایل کے جو پازیٹیوز ہیں ہمیں ان کو ریپ کرنا چاہیے, ہمیں انہیں ہارویسٹ کرنا چاہیے, اور جس طرح سے اس دن اسٹیٹمنٹ آیا ہے ویوین رچرڈ کا, جو دنیا کے اتنے بڑے کھلاڑی ہیں, ان کو سر کا خطاب بھی ملا ہوا ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں پشاور میں اس وقت کرکٹ کھیل رہا تھا اور جو رشین بمباری ہو رہی تھی افغانستان میں اس کی آوازیں ہمیں آ رہی تھیں, لیکن ہم تو نہیں ڈرے, اس نے پاکستان کے لیے بہت پازیٹیو میسج دیا. پھر اس سے پہلے ڈیرن سیمی ہیں, یہ بھی ویسٹ انڈیز کے ہیں,
انہوں نے جو پاکستان کے لیے دو تین سال سے خدمات دی ہیں. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ 23 مارچ پہ آپ لوگوں کے اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اوارڈز کی, ان لوگوں کے لیے بھی کچھ اچھے آپ اوارڈز دیں تاکہ یہ پاکستان کے اور بڑے امبیسڈر بنے, انہیں پاکستان کے آپ آنری سٹیزن شپ دیں, ان کو آپ پاکستان کے آنری کونسل جنرل بنائیں ان کے اپنے اپنے ملکوں میں, اور ان کے علاوہ بھی جو کھلاڑی ہیں جنہوں نے ساتھ دیا ہے, کمنٹیٹرز آئیں. ہمیں اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا ہارویسٹ کرنی چاہیے جو پازیٹیوز ملے ہیں پی ایس ایل کے, اور اس کے لے کے آگے چلنا چاہیے. چھوٹی کھلاڑیاں ہیں یا بڑے ہیں, فورینرز آ رہے ہیں پاکستان میں, ٹرکلنگ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم آپ کو پتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں 3 میچ کھیلنے کے لیے آ رہی ہے, تو یہ پازیٹیوز ہمارے لیے ڈورز اوپن ہوئے ہیں پی ایس ایل کی وجہ سے. جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں, اپنی رائے دے سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں 0423544261 کے اوپر یو کین کال, اور ہمارے ساتھ پاکستان کے لیجنڈ جاوید میاں داد ہیں, آپ ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں یا اپنی کوئی رائے پی ایس ایل کے بارے میں دے سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا جاوید بھائی کہ ہم پاکستان میں چھوٹے لیول پہ تو لیگ کرکٹ ہم پراپر شروع کر سکتے ہیں نا, اور بورڈ اس کو شروع کر سکتا ہے جس سے انوالومنٹ ہوگی اور ٹیلنٹ ہنٹ ہوگی, صرف ایک پی ایس ایل اور وہ بھی جو پاکستان کے باہر ہو جس میں 28, 30, 34 میچز باہر ہوں, اس سے تو یہ نہیں ہونا مشرف بھائی؟ دیکھیں پی ایس ایل کرکٹ ایک فرینڈلی کرکٹ ہے, یہ انجوائمنٹ کے لیے کرکٹ ہے کہ رائٹ, اور اس میں کیا تھا, یہ سب سے زیادہ سوٹ کیا تھا انگلینڈ کو کہ ریونیو کمانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کرکٹ کو آپ کرکٹ سے اب لازمی بات ہے کہ اتنی کرکٹ 2020 جو مشہور ہو گئی ہے اور اس میں پیسہ اتنا انوالو ہو گیا ہے, اور ایک چیز میں بھول نہ جاؤں, میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ان فیوچر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان لڑکوں کو سائن کرنا چاہیے اوورسیز بھی, کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ دیکھو وین یو ریچ ان دا فائنل, اگر آپ پہنچتے ہیں تو فائنل یا سیمی فائنل اگر پاکستان میں ہوگا تو آپ کو کھیلنا پڑے گا. مطلب یہ چیز غلط ہے. اب دیکھیں ٹیم کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, جس کے پاس اچھے پلیئر تھے اور وہ نہیں آئے تو اس کو تو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. آپ نے 4 میچ کھیلے تو یہ چیزیں ساری پاکستان کرکٹ بورڈ کو فیوچر کے میں دیکھنی پڑے گی, تاکہ آپ کے جو اونرز ہیں انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اور آپ کا اگر رائٹ ٹائم پہ اگر وہ پلیئر ہی نہیں ہے تو آپ کا جو ایک ٹورنامنٹ ہے وہ بڑا پھیکا ہو جاتا ہے. تو پاکستان از اے سیف کنٹری, یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, ساری چیز ہو رہی ہے, ہم لوگ کھیل رہے ہیں, ہم کیا انسان نہیں ہیں, ان کو کنوینس کرنا چاہیے. وی نیڈ سمبڈی اے پینل کہ جو ان لوگوں کو دنیا میں جا جا کے کنوینس کریں, اور سب سے زیادہ آئی سی سی کو پریشرائز کریں. رائٹ, جاوید صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں محمد افضل صاحب. افضل بھائی السلام علیکم. السلام علیکم سر, سوری آپ کو ہولڈ کرایا اتنی دیر. سر مشرف صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ سر جی میں ایک سوال ہے چھوٹا سا. حکم. یہ آخری بال پہ 2 رنز تو بن سکتے تھے, دوسرا کیوں نہیں بنا؟ کیچ ڈراپ ہوا پھر رن آؤٹ ہو گیا. ہاں جی وہ سر 2 سکور تو بن سکتے تھے کم از کم. ہاں تو ٹائی ہو جاتا نا پھر اس پہ. ہاں جی وہ ٹائی ہو جاتا تو 2 سکور کیوں نہیں بنے؟ جاوید میاں داد صاحب سے سوال ہے. جاوید میاں داد صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ 2 سکور کیوں نہیں بنے, ٹائی کیوں نہیں ہوا؟ افضل صاحب نے بڑا ٹیکنیکل سوال کیا اور آپ سے کیا ہے, کیونکہ آپ کا تو مشہور تھا کہ پہلا سنگل اتنی تیز دینا کہ دوسرے کو آٹومیٹکلی ٹائم بن جانا. دیکھیں بالکل صحیح کہا, کیونکہ یہ تو چاہے آپ آؤٹ ہو جاتے آپ کو بھاگنا ضرور چاہیے تھا نا, یعنی کہ بالکل صحیح کہنا افضل صاحب. رائٹ, اگر میں بھی ہوں تو میں کہ بھائی آپ کو سچویشن نہیں پتا, آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ انوالو ہیں, اگر آپ کو یہی نہیں پتا ڈزا میٹر, آپ آدھی وکٹ پہ آؤٹ ہو جاتے, مگر وہ اپریشیٹ ہوتا. مگر نہ لینا جو ہے اس کا مطلب یہ کرکٹر کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ 1 رن ہے ڈزا میٹر, آپ کو 2 رن جیتنے کے, ہو سکتا ہے وہ فمبل کرے. تو یہ جب پہلے سے ہی جب ایسی سچویشن آتی ہے آپ اپنا مائنڈ پہلے سے ہی بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر میں ہوتا میں کہتا میں یہاں روکوں گا, میں نے دوبارہ آنا ہے, تم جلدی آ جانا. یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, یہ تو پارٹ آف دا گیم ہے. اور اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو یہ افضل صاحب کا یہ ملین ڈالرز والا کوشچن ہے.
मिलियन डॉलर क्वेश्चन अफजल साहब, जावेद मियादाद कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा, थैंक यू वेरी मच फॉर अ गुड क्वेश्चन। सकलैन हमारे साथ हैं, जी सकलैन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद सकलैन कुरैशी। जी भाई, एक तो मेरे से ये मेरा ये गिला है कि कल ये इन्होंने एक खुशखबरी सुनाई कि जी पूरे लाहौर में मैच के दौरान लाइट नहीं जाएगी, लोड शेडिंग नहीं होगी। अच्छा, जबकि हमारे इलाके में 9:15 से लेके 9:15-10 बजे तक लोड शेडिंग हो गई। आपका किधर है घर? इस्लामपुरा लाहौर में जी। इस्लामपुरा में, कृष्ण नगर में? हाँ कृष्ण नगर में जी। 9:15 से 10:15 बजे लाइट हेडलाइन चली जी, खुशखबरी लाहौरियों के लिए। एक कोई उसमें फायदा नहीं कि 9:15 से 10:15 का मैच था और देखने वाला मैच था और वो हम लोग देख भी नहीं सके, बाद में देखना अलग मसला है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, और नंबर दो कि जब इतनी स्कोरिटी में ये चीजें करवाई जा सकती हैं कि मैच के लिए इतना, इसी स्कोरिटी के सिलसिले से बसंत नहीं मनाई जा सकती? बसंत में सकलैन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं क्या प्रॉब्लम है। आपके हुक्मरानों को क्यों नहीं पसंद? बसंत वो वाहिद दुनिया की गेम है, वाहिद गेम जिसमें अमीर और गरीब एक ही छत पे होते हैं और दोनों में कोई फर्क नहीं होता। आपने 1,00,000 रुपए की डोर भी लगाई हो ना, तो कोई बच्चा आएगा कांटी मार के उसको काट देगा या नीचे से हाथ फेर के काट देगा। तो आपकी पैसा जो है ना वो आपकी ताकत नहीं बनता, आपको प्रॉपर स्किल होनी चाहिए उड़ाने की काटने की। तो बसंत हमारे हुक्मरानों को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उनमें और गरीबों में फर्क खत्म हो जाता है। बट थैंक यू वेरी मच। फैसल है पिंडी से हमारे साथ, फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नुमान लुकमान भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का करम, आप सुनाए खैरियत से? अच्छा जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा लुकमान भाई, एक तो सिंपल मैं छोटी सी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक तो आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत दे बोलने की और सच दिखाने की। दूसरी बात यह कि जावेद भाई अभी बात कर रहे थे, मैं इसी चीज को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और इसको मेरा एक क्वेश्चन ही आप समझ लें कि आज ही क्वेटा हारी है, मुझे बड़ा दुख है, हमारी सारी टीमें हमारी अपनी अपने पाकिस्तान की, सही बात है, लेकिन एक ना एक कोई एफिलिएशन हो जाती है बंदे की सेंटिमेंटली कोई ना कोई टीम से, क्योंकि आप किसी खास सिटी से तो आप उसको। मेरी तो राणा साहब से है सेंटिमेंटल एफिलिएशन, उनको मैं देखता हूँ यूं करके टीवी बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको आइसक्रीम खिला दूं जाके। अफसोस है यार, ये बेचारा यार, इसको खुश करूं किसी तरह। तो मुझे सिर्फ ये कि दुख हो रहा है कि आज ये क्वेटा की टीम हारी है, इससे मेन प्लेयर्स नहीं थे जिसकी वजह से ये टीम हार गई है। आखिर क्यों हमारा बोर्ड या हमारे ये फ्रेंचाइजेज वगैरह ऐसे प्लेयर्स को क्यों नहीं वो अवलिया क्यों रखती है कि जो पाकिस्तान आने पर राजी नहीं है, कोई और प्लेयर्स ले लें। कम अज कम एटलीस्ट ये है कि जब वो टीम्स हारती हैं, आज वो विवियन रिचर्ड जैसे एक वो हमारे जो है लेजेंड है क्रिकेट के, और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं और उनकी टीम हारी है, तो वो पहले कुछ और बाद में कुछ, तो वो भी एक वो डिसपॉइंट होते हैं कि यार ये क्या चीज है। तो ये क्रिकेटर्स को कन्विंस करने के लिए क्यों नहीं हम कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी? वो तो बताया अभी जावेद भाई ने बताया ना, एक पैनल होना चाहिए, कई लोग होने चाहिए जो जाए जाके उनको कन्विंस करें और खासतौर पर ICC को कन्विंस करें। मेरा ये ख्याल है कि थैंक यू वेरी मच फैसल भाई, पहले तो आपने कॉल की। मेरा ये ख्याल है कि जब वेस्ट इंडीज़ की टीम इस साल के आखिर में जब पाकिस्तान आती है और कुछ मैचेस खेलती है यहाँ पे, तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान, बल्कि अप्रैल में आ रही है शायद, मुझे भी बताया, तो तीन वो बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए। क्यों जी? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जी, ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि ये पूरा एक टूर है, मिनी टूर है लेकिन पूरा टूर है। आज तक उस दिन लास्ट टाइम जो है श्रीलंका ने एक मैच खेला और जिम्बाब्वे ने, ठीक है पूरे मतलब सीरीज खेली थी, लेकिन ये है कि ये एक मेजर टीम का फर्स्ट टूर है जो कि एक सीरीज खेलने आ रहा है। मैं श्रीलंका की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए फायरिंग जिस बस पे हुई उसमें श्रीलंका की टीम थी और उनके दो लोगों को गोली भी लगी, जख्मी भी हुए, लेकिन पाकिस्तान पहले श्रीलंका आए, मैं श्रीलंकन्स को सलूट करता हूँ, यानी थैंक यू नो फॉर कमिंग टू पाकिस्तान। एक कॉलर हमारे साथ है, फरा ऑनलाइन है। जी फरा जी इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं फरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बेटा, जी बेटा, मुझे ये बताइएगा कि आई नेवर कॉल इन एनी शो बाय द वे, मैंने अभी ये देखा तो आई जस्ट कॉल यू। ये जो अभी सारा कुछ चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि डेवर्स रोड बंद था, ठीक है। मेरा बरकत मार्केट में मेरा ऑफिस है जहाँ पे मेन पार्किंग थी, और मेरा ऑफिस जो बंद हुआ है वो तकरीबन 2 बजे बंद हुआ है, और जब मैं 2 बजे घर आई हूँ तो सारे रास्ते खुले थे, डेवर्स रोड सारा लाहौर में खुला था 5 बजे तक। तो ये फजूल में छोटी छोटी शर्त लाने का क्या मकसद क्या बनता है कि वो बंद था, यहाँ नुकसान हुआ, यहाँ नुकसान हुआ।
अगर कोई एक चीज हो रही है ठीक है लाहौर में हुई है आवाम को आपने एक अच्छी चीज पे लगाया, बाकी आपको नजर नहीं आ रहा सब कुछ कि आवाम करती क्या फिर रही है ठीक है। बाकी हमारे प्रोटोकॉल्स गुजरते हैं सारा सारा दिन, सड़कें बंद रहती हैं लाहौर में, बाकी इतनी ट्रैफिक होती है, वहाँ ये रैली है वहाँ है, तब भी तो रास्ते बंद होते हैं। मैंने तो आज तक उसके बारे में कभी ऐड नहीं देखी कि आ रही हो कि वहाँ रास्ते बंद हो गए। ये PSL को अगर एक अच्छी चीज हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करने की बजाय हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है इसको इस इमाम आप को मेरे साथ रहे एक मिनट फरा भी आप मेरे साथ रहे, ये हमारे बच्चों की उम्र की है और बिल्कुल सही इसने पॉइंट किया है कि पाकिस्तान में अगर कोई अच्छी चीज हो ही रही है तो थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लो। आई मीन व्हाट अ प्राइस वी हैव पेड टू कम दिस फार, नो डाउट शी इज एब्सोल्युटली राइट कि हमें इसमें पेशेंस दिखानी चाहिए। फरा यही सवाल मैं आपका मियादाद साहब से कर रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस। जावेद मियादाद साहब, फरा बेटी का आपने सवाल सुना, क्या कहेंगे आप? नहीं मैं बिल्कुल उनकी एक एक तरीके से बात सही है, दो तरीके, एक वो तरीका है कि वो आदमी आप मुझे बताओ अगर किसी चीज़ को आप लव करते हैं और वो लव आपसे छीन लिया जाए आपके जज्बात क्या होंगे, यानी कि एक बच्चे को या किसी को भी ये जनून है क्रिकेट राइट। अब उसके नज़दीक और उसके नज़र में मैं बताऊँ कि रात को भी दिन में भी उसके पास क्रिकेट होगी, अब क्रिकेट वो जा नहीं सकता, अब वो जब मैच नहीं आया होगा ना तो लोग उस पर डिसअपॉइंट होंगे और जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं लाजिम आते इलेक्ट्रिसिटी को और वापडा को और उन लोगों को क्रिटिसाइज, तो वो अपनी जगह सही है और अभी जैसे इन्होंने बेटी ने कहा है वो भी सही है, मगर हमारे यहाँ एक चीज़ जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं ना वो चीज आपको ना मिले और छीने ना असल में, तो असल में जो एक बात उससे का ना, अलर्ट पड़ जाए। एक बात मैं जरूर कहूंगा और ये मुझे इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए और मगर उसके भी मैं सीरियस बात करने लगा हूं जावेद भाई, अगर वो आदमी कितना डिसहार्टन हुआ होगा। नहीं असल में प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों को मैं याद करा दूं एक बात, और लाहौर पुलिस का और ट्रैफिक पुलिस का जो सिक्योरिटी एजेंसीज है इनका बहुत बड़ा कमाल है, इनको इनको मैं कहता हूं कि इनको जितना क्रेडिट दें वो कम है कि आज का ये मैच इतना खुश असलूबी से हुआ, लग रहे कल का इससे भी ज़्यादा बेहतर हो। चंद दिन पहले राइवंड के अंदर जहां तबलीगी जमात वालों का इज्तम हो रहा था वहां पे पुलिस पोस्ट के ऊपर जाके खुदकश बम्बार गए और वहां पे बहुत हाई नंबर कैजुलटीज हुई और वो हुई भी पुलिस वालों की हैं और पुलिस अफसरान ने और पुलिस जवानों ने अपनी जानों का और नजराना दिया और जख्मी भी हुए बड़े। तो अब बात यह है कि ऐसे हालात में जब 3 या 4 या 5 दिन पहले यह हुआ हो तो पुलिस अगर ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है तो इसको गलत नहीं लेना चाहिए। एक मिनट है मेरे पास, उसामा एक और कॉलर है। जी उसामा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भैया, जल्दी से एक मिनट है जी। बस मैं सारे पाकिस्तान को वैसे तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा इवेंट कोऑर्डिनेट किया है, वैसे अभी तो शुरुआत हुई है 3 मैचेस की तो, लेकिन ये है कि अगर इंशाल्लाह आगे ये कोऑर्डिनेट होता है तो ये फिर पूरा फंक्शन भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं, लेकिन यही है कि बस PCB के सेक्शन को हमें सपोर्ट करना चाहिए, चाहे थोड़े बहुत रास्ते बंद हो रहे हैं लेकिन इसी तरह मामला आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएंगे। बकाया ये है कि काफ़ी खुश हूँ मैं कि ये इस तरह मैचेस यहाँ पे हो रहे हैं क्योंकि होने चाहिए ठीक है, और मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे भी मेरे जो साथी वगैरह हैं वो भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि इस तरह एक आपको एक्टिविटी मिलती है जिसमें आप राइट। थैंक यू सामा, थैंक यू वेरी मच। एंड जावेद मियादाद साहब, सैयद नईरुद्दीन अहमद साहब, आपका शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल किया और जिन्होंने हमें अपनी राय दी। मैं एक बात ज़रूर कहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड बन रहा है, PSL एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की और ये PCB का क्रेडिट है, लेकिन अब देखना ये है कि PSL को किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए, इसको बेहतर किया जाए और इंश्योर किया जाए कि इसकी जो वाइब्रेंसी है और इसकी जो यानी इसकी जो एक्साइटमेंट है वो हर साल बढ़े। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।